यहाँ पर बच्चों को वुशू सिखाती हैं स्पेशल नबीना लोगों को भी क्लासेस देती हैं फुट वर्किंग के साथ बहुत ज्यादा बोलना पड़ता है उनको समझाना पड़ता है आपका राइट हैंड ये वाला है इसको यहाँ तक लेके जाए नहीं यहाँ रुक जाए वो इंटरनेशनल भी जाके खेली हैं नेशनल भी खेलती हैं खातन को ज्यादा आना चाहिए मेरे ख्याल में 2006 से मैं इस क्लब को कंटिन्यू अल-फजर हमारी होती है चैंपियनशिप उसमें हमने मोर देन टेन सिल्वर और फोर ब्रॉन्ज विन किए हुए हैं इंडिया में और नेपाल में हमने बकायदा पाकिस्तान का नाम रोशन किया और गेम्स में असलम पाकिस्तान नई बार डिजिटल के साथ आपका मेजबान मुताहिर गिल्ला की खिदमत में हाजिर है इस वक्त मैं रेड ड्रैगन वोशू क्लब में मौजूद हूँ और मेरे साथ मैम अम्बरीन मौजूद है जो यहाँ पर बच्चों को वोशो सिखाती हैं वोशू होता क्या आज आपको ये बताएंगे और इस क्लब की जो सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर बच्चे बूढ़े जवान तो सीखने के लिए आती हैं लेकिन ये स्पेशल नबीना लोगों को भी क्लासेस देती हैं कहानी क्या है कब से ये क्लब स्टार्ट है और पाकिस्तान में इस वुशु जो गेम है इसका क्या फ्यूचर है तमाम कहानी जानते हैं नहीं की नहीं। कैसी है ठीक है? मैं आपका हमें तो अच्छा लगता है कि मीडिया करता है तो लोगों तक पहुँचती है कितने बच्चे और लोग यहाँ पर क्लब में आते हैं ये हमारा पाँच बजे से ऑलमोस्ट दस बजे तक कंटिन्यूसली चलता है इसमें हमने टाइम मैनेज किया हुआ जैसे फाइव टू सिक्स गर्ल्स एंड छोटे बच्चे जो बारह साल से चौदह साल तक के हैं वो उसके बाद हमारे पास एक स्पेशल क्लास आती है जो वो नबीना पर्सनस हैं वो माशाल्लाह बड़े पढ़े लिखे बच्चे हैं हम तो बच्चे ही कहते हैं लेकिन वो मेल हैं माशाल्लाह से उनकी क्लासेस होती हैं उसके बाद वो हमारे प्लेयर्स जो इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए तैयारी कर रहे होते हैं उनकी क्लासेज होती हैं ये बच्चे को जो आप देखते हैं उनको तो आप बता देते हैं कि इस तरह एंगल रखो इस तरह करो लेकिन नबीना लोगों को किस तरह गाइड करते हैं बड़ा मुश्किल काम होता होगा देखें हम आंखों वाले तो सबको कुछ समझ सकते हैं कर सकते हैं हमने उनके लिए हमारे पास बहुत पहले हमने एक चीज़ सोची थी लेकिन वो ये नहीं सोचा था कि वो नबीना अफ़राद के लिए काम होगा वो हमने सोचा था कि ये जो लोग कर्तव्य करते हैं आंखों पे कपड़ा बांध के आ, कभी सेब काट लिया कभी बिल्कुल तो वो मतलब हमें ये लगता था कि वो डेंजरस है जिस बंदे को नहीं पता वो कुछ भी बांधता है और वो प्रॉपरली करता है हमारे पास एक टीचर थे नबीना जिनकी फोर्टी ईयर तक जो आईज थी वो काम करती थी उसके बाद ऐसा-ऐसा जब उनको डॉक्टर्स ने कहा कि आप जा रहे हैं तो उन्होंने अपने लिए कंप्यूटर का काम शुरू किया उन्होंने रबता किया था हमने फिर इसके ऊपर अपने तौर पे दोनों मियाँ बीवी ने कुछ चीज़ों को किया कि हम अगर ब्लाइंड खुदा ना खास्ता हम में से कोई होता है तो हम क्या कर सकते हैं तो फूड वर्किंग के साथ बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है उनको समझाना पड़ता है आपका राइट हैंड ये वाला है इसको यहाँ तक लेके जाएं नहीं यहाँ रुक जाएं इतने कदम पे जाएं इतने आ, मुश्किल तो है लेकिन पॉसिबल को इनपॉसिबल करना भी हमारा अपना ही काम है जिम में किसी क्लब में ये चीज़ होती नहीं है या खास आपके क्लब में है तो कितने नबीना अफराद आते हैं आप अभी तो सिक्स लोग हैं कोशिश तो कर रहे हैं कि ये कंटिन्यूसली रखें हम किसी क्लब का नहीं पता लेकिन क्योंकि ये क्लब हमारा फैमिली क्लब कह सकते हैं आप इसको क्योंकि हम दोनों मियाँ बीवी बच्चों समेत इधर मौजूद होते हैं तो हमें अच्छा लगता है अगर कोई मज़ूर अफ़राद जो हैं वो हम उनके काम आ सकें तो वो शू है क्या इसको डिफ़ाइन अगर करना हो क्योंकि मैं खुद फर्स्ट टाइम टू बी वेरी ऑनस्ट यहाँ पर आके मुझे पता चला है कि वुशु भी कोई गेम है तो ये क्या चीज़ है देखें वोशू बेसिकली चाइनीज किकबॉक्सिंग किक है ये आपने अगर सबसे आसान वर्ड्स में ब्रूसली जेटली, जैकी चैन की ये वो गेम है इसमें आपको उन्हीं की तरह तलवारें भी चलानी हैं उन्हीं तरह किक पंच भी करना है इसके अंदर आपका सेल्फ डिफेंस के साथ साथ आपको बिल्कुल फुर्तीला होना बहुत ज़रूरी है इसके अंदर अदरवाइज़ आप इस गेम को सुस्त बंदे काम सुस्त बंदे को बहुत एक्टिव करना पड़ता है हमें कितना टाइम ले जाता है बंदा सीखने में जो छोटा बच्चा होता है अगर उसके पेरेंट्स और वो बच्चे की अपनी हो तो हम एक साल के अंदर खिलाड़ी को फुल तैयार कर लेते हैं लेकिन जो आप बात कर रहे हैं सुस्त बंदा तो उसके लिए हमें दो से तीन साल भी लग जाते तीन हैं तीन साल लग जाते हैं जा। अच्छा मैम इस गेम में हर चीज़ आप कहती हैं कि वेपन भी यूज़ होता है हाथ वगैरह पाओं के के टू जी हर चीज़ तो कभी ऐसा हुआ है कि किसी कंपटीशन में कोई मतलब ख़तरनाक अटैक हुआ हो जख्मी हुआ हो सीरियस आ, देखें अलहमद अभी तक वुशु की हिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं हुआ हाँ ये ज़रूर होता है माइनर आप बेहोशी के अटैक में ज़रूर बचे जाते हैं लेकिन रेस्क्यू वन वन टू टू हमारे साथ होती है तो वो फ़ौरी तौर पर रिकवर हो जाता है आ, अभी तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ लेकिन कट लग जाते हैं ऑफ कोर्स दांत भी टूट जाते हैं <laughs> लेकिन कभी ऐसा सीरियस नहीं हुआ कोई इसमें प्रोटेक्शन यूज़ होती है फेस पे यूज करते हैं जी पूरा हम अभी बच्चों की आपको एक छोटी सी डेमो फाइट दिखाएंगे उसमें हम हैड गार्ड गम शेड चेस्ट गार्ड ग्लास ग्रोइंग और फुट गार्ड लाजम पहना के फिर ट्रेनिंग करवाते हैं आजकल जो हमारा दौर चल रहा है स्पेशली पाकिस्तान का मुल्क के हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं क्या लड़कों के अलावा लड़कियों की भी इस चीज़ की जरूरत है कि फाइट सीखें वो अपने लिए आपने अगर देखा हो तो आपके बिहाइंड पर कुछ बच्चियाँ कर रही हैं लड़के और लड़कियों में हम चाहते हैं कि दोनों करें लेकिन हमारे यहाँ एक जो इशू है हम फीमेल्स बच्चियों जितनी भी होंगी हम उन्हें पढ़ाई की इजाज़त देते हैं तो स्पोर्ट्स की नहीं देते स्पोर्ट्स की दें तो फिर हमारी फैमिलीज़ जो हैं वो बैक पे मतलब जो बातें होती हैं जी लड़की का रही है मेरे नहीं ख्याल में आज कल कहीं भी कम हैं मेरे पास माशा इतनी फ़ीमेल्स हैं वो इंटरनेशनल भी जाके खेली हैं नेशनल भी खेलती हैं ख़वान को ज़्यादा आना चाहिए मेरे ख्याल में मैम इस क्लब को कितनी देर हो गई है बनाया गया बेसिकली uh, मेरा क्लब हार रोड था 92 से uh, उसको फिर मैंने क्लोज करके यहाँ पे इस वक्त 2006 से मैं इस क्लब को कंटिन्यू कर रहा है आप बचपन से ही कर रही हैं ये हाँ जी मैं इस वक्त 43 की हूँ तो आप अंदाज़ा लगा ले 38 एट ईयर का मेरा कैरियर है तो आप मतलब आपके तैयार किए हुए बच्चे बच्चियाँ ने कोई मेडल वगैरह जीता है हमारे मुल्क को नाम रोशन किया इंटरनेशनल लेवल पे अलहमद मेरे जो ज़ाती प्लेयर्स हैं फीमेल्स में उनमें दो बच्चियाँ सिल्वर मेडलिस्ट हैं सैफ गेम्स की और जो अलफजर हमारी होती है चैम्पियनशिप उसमें हमने मोर देन टेन सिल्वर और फोर ब्रॉन्ज विन किए हुए हैं बॉयज़ में अलमदल्ला मेरे कुछ स्टूडेंट आर्मी में हैं वापडा में हैं और वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं बाकायदा से पाकिस्तान के लिए इंडिया में और नेपाल में हमने बाकायदा पाकिस्तान का नाम रोशन किया और गेम्स में नोट आ चैम्पियनशिप में तो जैकविल लग सकता है ना लेकिन गेम्स के अंदर बहुत मुश्किल होता है कि इंडिया के अंदर इंडिया को विन करना या नेपाल में जाके नेपाल और इंडिया को विन करना मैम कराटे बॉक्सिंग या वोशू और कम्फूम वगैरह इनमें क्या डिफरेंस है सब गेम्स में देखिए सब गेम सेल्फ डिफेंस की हैं कुछ गेम सॉफ्ट हैं कुछ हार्ड है हमारी जो गेम है आप सब गेम्स को अगर मिक्सचर कर लें तो वो बनती है वो तो वो एक ही है एक और वो सब पे भारी है जी वही सब पे भारी है तो हमें प्राउड होता है कि हम इस गेम को कर रहे हैं मैम क्लब का विजिट करवाएंगे हमें जी बिल्कुल आए आपको इस वक्त ये इनके क्लब में हम मौजूद हैं हर जगह आपको बच्चे नजर आ रहे हैं कुछ बच्चियां भी हैं यहाँ पर जो फाइट्स वगैरह कर रही हैं इधर कुछ बच्चे ये बॉक्सिंग बैग जिसे हम कहते हैं ये सही कह रहा हूँ जी बिल्कुल ये बॉक्सिंग बैग है ये छोटे बच्चे हैं ये बिल्कुल हमारा जो आ, न्यू टैलेंट है ये वो बच्चों की क्लास है इन बच्चों को मोस्टली टू थ्री मंथ से ज़्यादा नहीं हुआ जैसे उस साइड पे बैज है वो बिल्कुल न्यू है ये थ्री मंथ वाला बैज है हमारा तो ये बच्चे आपको यहाँ पे किक और बॉक्सिंग के साथ जो भी कॉम्बिनेशन है वो ये कर रहे हैं वो आप देखें ये अब्दुलरहमान है हमज़ा है अहमद एंड वो अब्दुलसमद मुजम्मिल तो ये बच्चे कहा मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ ये बच्चे को देख के मेरे माइंड में आई है कुछ लोग कहते हैं कि ये अगर छोटी एज में जिस तरह जिम कर लें या इस तरह की कोई एक्टिविटी करते हैं हाइट छोटी रह जाती इस है इसमें कोई सच है कि नहीं जिम के लिए तो मैं किसी भी बच्चे को नहीं कहती कि आप जिम की कोई भी मशीन यूज़ करें लेकिन इनके पेरेंट्स स्पेशली हमें इनकी हाइट की, की वजह से ही देखे गए हैं और हम लाजम उस बात के उनकी मेडिकल हिस्ट्री भी देखते हैं और फैमिली भी कुछ फैमिलीज़ के अंदर प्रॉब्लम होता है कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होता है अगर ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि इनकी हाइट बढ़ने की एक्सरसाइज और वो चीज़ें करवाएँ कि इनकी हाइट रुके नहीं नॉर्मल एटलीस्ट बच्चों तक तो इनकी हाइट है ये आपके दूसरी तरफ मशीनरी पड़ी हुई है जो जिम में यूज़ होती हैं ये किस इस्तेमाल में लगता है देखिए ये आप नोट करें कोई भी खिलाड़ी उस साइड पर मशीन को हाथ नहीं लगा रहा होगा उसकी वजह यह कि यह सिर्फ हम उन प्लेयर्स के लिए करते हैं जो हमारा इंटर स्टैंडर्ड का प्लेयर तैयार होता है तो उसकी फिटनेस के हवाले से जिन चीज़ों का कि हम बाहर किसी जिम को करें हो सकता है यहाँ से खिलाड़ी वार्म हो बाहर जाए तो जिसमें गर्म ठंडे का इशू आ जाए तो ये सिर्फ उनके, उनके, उनके लिए ही है जो तो इंटरनेशनल प्लेयर्स या नेशनल प्लेयर्स हैं वो इनमें से कोई छोटा बच्चा उस जिम को आप नोट कर रहे हैं पिछले वन आवर से कोई बच्चा उस साइड पर नहीं जाएगा मैम लास्ट पर फैमिली को कुछ लोग फैमिलीज़ पेरेंट्स नहीं बच्चों को आगे बढ़ने देते जैसा कि आपने कहा लड़कियों को ज़्यादा ज़रूरत है उनको रोक लेते हैं उनका फ्यूचर स्पॉइल हो जाता है स्टक हो जाता है सबको क्या मैसेज देना चाहेंगी देखने वालों को देखें मैं भी एक फ़ीमेल हूँ मैं घर भी देखती हूँ बच्चे भी देखती हूँ बच्चे भी हैं माशाला तो मेरे ख्याल में ख़वान हर चीज़ कर सकती हैं अगर एक औरत घर संभाल सकती है तो वो बाहर भी कुछ कर सकती है तो काइंडली बच्चियों के साथ बच्चों दोनों को थोड़ा सा मौका उनके लिए भी दें और इन शाली वो आपको अच्छा करके दिखाएंगे अल्लाह मैम बहुत शुक्रिया मैम अमरीन हमारे साथ मौजूद थी इनका हमने आपको पूरा क्लब विज़िट करवाया बच्चों को दिखाया है कि किस तरह यहाँ पर सेल्फ डिफ़ेंस की भी ट्रेनिंग दी जाती है और इनके फ्यूचर के हवाले से इनको ग्रोम भी किया जाता है वीडियो को शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें मुझे इजाज़त दें मिलते हैं एक नए प्रोग्राम में अला हाफ़